नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और लकी पाम का और जानेंगे इस पाम की खास बात। ये हैं 62 इयर्स ओल्ड मेल पर्सन और ये फॉरेन कंट्री में रहते हैं और इन्होंने बताया काफ़ी यंग एज में ही ये फॉरेन कंट्री चले गए थे। तो चलिए आइए देखते हैं इनके हाथ में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले जब पाम के कलर की बात आती है तो अच्छा खासा पिंक कलर का पाम है। पिंक कलर का पाम इंसान को काफ़ी लकी बनाता है, जो भी वो मेहनत करता है उसका पूरा फल उसको मिलता है और जीवन में आगे बढ़ोतरी करते रहते हैं, निरंतर तरक्की करते रहते हैं ऐसे लोग। अब हाथ में यहाँ पर देखें तो ये रेक्टेंगुलर भी है पाम, ये देखें। ऐसे पाम के लोग काफ़ी अच्छे तेज़ दिमाग के लोग होते हैं, मेंटल वर्क काफ़ी करते हैं और ऐसे लोग नए नए आइडियाज़ भी डेवलप करते हैं। कोई भी प्रोफेशन हो इनका, अगर इनका बिज़नेस होता है तो ऐसे में बिज़नेस में और क्या क्या नई बढ़ोतरी करनी चाहिए, क्या क्या नई चीज़ें ऐसी करनी चाहिए कि जिससे बिज़नेस में और तरक्की हो, फ़ायदा हो, कैसे अपनी बिज़नेस को बढ़ाया जाए। देखिए इनकी ना ज़्यादातर मस्तिष्क रेखा हमेशा आपको लंबी देखने को मिलेगी और लंबी मस्तिष्क रेखा एक अच्छे शार्प माइंडेड होने की निशानी है। ऐसे लोग अपने दिमाग का भरपूर इस्तेमाल करते हैं और नए नए आइडियाज़ डेवलप करते हैं, इनोवेटिव होते हैं और सोचते रहते हैं कि कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है। ऐसे लोग कभी ये नहीं होता कि दिमाग सोचना बंद कर दें। अगर ऐसे लोग कहीं रात को सो भी रहे होते हैं, सोते सोते भी कुछ ना कुछ इनके दिमाग में चलता रहता है, कुछ ना कुछ इनोवेटिव सोचते हैं ये लोग। तो इस तरह के नेचर वाले व्यक्ति होते हैं। यहाँ पर हाथ में देखें तो इनके एम का चिन्ह बड़ा अच्छा बना हुआ है, ये देखिए एम का चिन्ह। एम का चिन्ह चार मुख्य रेखाओं से बनता है, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा और जीवन रेखा। देखिए होता क्या है कि जब भी इंसान अपने मस्तिष्क का भरपूर इस्तेमाल करके उससे धन कमाता है और धन कमा कर अपने जीवन को सुखी बनाता है। देखिए जीवन भी सुखी और हृदय में भी सेटिस्फेक्शन होता है। एम का चिन्ह इस बात का प्रतीक होता है। अब अगर इंसान की कोई भी रेखा इनमें से टूट फूट जाए तो वही चीज़ डिस्टर्ब हो जाती है। इस हाथ में देखिए चारों रेखाएं एकदम शार्प हैं, चारों रेखाएं एकदम अच्छे से वर्क कर रही हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब हाथ में चलते हैं इनके मनी ट्रायंगल की ओर, देखें हाथ में बैंक बैलेंस भी अच्छा बना लिया, इंटरनल पोजीशन भी सॉलिड है, धन की तिजोरी भी अच्छी खासी है और ऐसा लगता है, ये देखिए ऐसे लोग अपना पैसा ज़्यादातर बिजनेस में इन्वेस्ट करके रखते हैं और अपने पैसे को निरंतर ग्रो करने की उनकी टेंडेंसी रहती है, अच्छा पैसा ग्रो कर लेते हैं। देखिए इतनी जो इंटरनल पोजीशन काफ़ी सॉलिड है इनकी। अब हाथ में देखते हैं इनके, ये देखिए जीवन का ग्राफ। अगर हम जीवन के ग्राफ की ओर ध्यान दें, ये इस तरह से ग्राफ चल रहा है, यहाँ से इस तरह से चढ़ते गए चलते गए आगे चलते जा रहे हैं निरंतर। ऐसे लोग सोचते हैं जब तक जीवन है तब तक काम करना चाहिए। ऐसे लोग के जीवन में रिटायरमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ऐसे लोग ये कभी रिटायरमेंट के बारे में नहीं सोचते, उनको लगता है कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है, मुझे करते रहना है, मैं करके दिखा सकता हूँ और बेहतरीन करके दिखाऊँ, जब तक जीवन है तब तक काम करूँगा मैं। तो इस तरह की सोच वाले व्यक्ति होते हैं ये लोग। अब देखें चलते हैं हाथ में और भी चीज़ों के ऊपर। यहाँ पर इनकी फिंगर्स को देखें तो फिंगर्स की शेप बड़ी अच्छी है, ये देखिए इधर की ओर इस गुरु की फिंगर का झुकाव होना तो ये बताती है रिलीजियस माइंडेड होना, ऊपर वाले में आस्था रखना, विश्वास रखना। ऐसे लोग दान पुण्य धर्म कर्म के कामों में आगे बढ़ के हिस्सा लेते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर ये चीज़, ये फिंगर थोड़ा सा ऊपर आ रही है ये वाली, तो ऐसे में इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छी देखी जाती हैं। कोई भी काम की जिम्मेदारी लेते होंगे ढंग से करके दिखाते होंगे और लापरवाही इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होगी। यहाँ पर देखें ये उंगली फर्स्ट फेजेस तक पहुँच रही है। ऐसे लोग काफ़ी टैक्टफुल होते हैं, काफ़ी तेज़ बुद्धि के होते हैं और साथ ही साथ इनके अंदर एक अच्छी एनालिटिकल पावर होती है। जब भी कोई चीज़ के बारे में डिसीज़न लेना होता है तो बहुत गहराई से सोचते हैं, गहराई से समझते हैं, उसके बाद डिसीज़न लेते हैं। ऐसे लोग उनमें से नहीं होते कि चीज़ देखी जल्दबाजी में डिसीज़न लिया और चल दिए, और हर चीज़ में एक उनके अंदर रिसर्च करने की, डेवलपमेंट करने की भावना इनके अंदर देखी जाती है। और ये उंगली जब देखिए थोड़ा सा झुकाव इस उंगली का इधर की ओर है तो पैसा कमाने की अच्छी अच्छी टेक्निक्स ये लोग के पास होती है। ये लोग अच्छा एक होता है कि कैसे पैसे से पैसा कैसे बनाया जाए, इस तरह की टेक्निक्स, पैसे को और कैसे बढ़ाया जाए, इस तरह की टेक्निक्स इनके पास अच्छी देखी जाती हैं। यहाँ पर देखें तो हाथ इस तरह से, देखिए ये फिंगर इधर की ओर झुकी हुई है, ये फिंगर यहाँ से इधर की ओर झुकी हुई है। ऐसे लोग काफ़ी दयालु स्वभाव के होते हैं, इनके अंदर एक ऐसा स्वभाव देखा जाता है, हेल्पिंग नेचर वाला स्वभाव होता है। कभी भी कोई इंसान दुख परेशानी में होता है, इनको लगता है कि जो मेरे से बन पड़ता है चलो मैं जो मदद ज़रूर करनी चाहिए।
अब हाथ में चलते हैं इनके फिंगरप्रिंट्स की ओर कि देखें इनके फिंगरप्रिंट्स क्या कहते हैं। यहाँ पर देखें तो ये एक ये पिकॉक का साइन हाथ में दिखता है इस तरह से। तो जब भी ये पिकॉक का साइन हाथ पे होता है इंसान अपने काम को लेके काफ़ी निष्ठावान होता है और काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर एक सीरियसनेस होती है अपने वर्क को लेके। और अर्ली एज में लाइफ में बहुत चेंजेस आते हैं इनके यहाँ, इनके जीवन में ऐसा लगता है चेंजेस ही चेंजेस आते हैं। और बहुत अर्ली एज से कई बार ये लोग काम भी शुरू कर देते हैं, इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं इनके अंदर। और ये देखिए यहाँ पर कि हमें मिलता है एक उल्टा लूप इस तरह से। तो जीवन में जो भी कठिनाइयाँ परेशानियाँ आती है उनको डट के सामना करते हैं और घबराते नहीं है। हाथ में एक चीज और है, देखिए यहाँ पर ये रेखाएं, देखिए इस तरह की खड़ी रेखाएं, देखिए ये सब इस गुरु की फिंगर पर खड़ी रेखाओं का मतलब होता है, जैसे कि हमने कहा दयालु स्वभाव का होना, मदद करने की टेंडेंसी होना, ऊपर वाले में आस्था रखना, इस चीज़ को बढ़ावा देता है। ये देखिए यहाँ पर जीवन में जो कोई भी परेशानी दिक्कतें आती होंगी तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले की मेहर होती है, ऊपर वाले के एक हाथ उनके ऊपर देखा जाता है। यहाँ पर देखिए सूर्य की फिंगर पर जब भी इस तरह की, ये देखिए यहाँ पर भी इसको ध्यान से देखें तो एक चक्र का निशान दिखता है। ये देखिए इस तरह का चक्र का निशान है। तो जब भी ऐसा चक्र का निशान होता है इंसान अपने फील्ड में बहुत तरक्की पाता है, कोई भी फील्ड हो, किसी भी तरह का प्रोफेशन हो, बिजनेस हो, उसमें खूब तरक्की मिलती है। और यहाँ पर भी देखिए इस तरह की सीधी लाइन्स है तो इंसान को खूब भाग्यशाली बनाती है, तरक्की दिलवाती है। अब आते हैं हाथ में छोटी फिंगर की ओर, देखिए यहाँ पर ये देखिए इस तरह से ये, तो ये इस तरह का जब भी उल्टा लूप होता है इंसान को स्टॉक शेयर मार्केट जुआ सट्टा इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए, नहीं तो उनको लॉस होता है। और देखिए लॉस में और कभी भी किसी को पैसा दे तो सोच समझ के देना चाहिए। और अगर कभी भी होता है फ्रेंड सर्कल में आपने पैसा दिया, रिश्तेदार को पैसा दिया, तो वो लौट के नहीं आता। अब देखिए हाथ में यहाँ पर हमें दिखती हैं इस तरह की लंबी लंबी रेखाएँ, तो ये भी इंसान को भाग्यशाली बनाती है। देखिए इस तरह की रेखाएं जो हैं इंसान को भाग्यशाली बनाती हैं और जो भी मतलब ऐसे लोग मेहनत करते हैं उसका पूरा फल दिलवाती है। अब चलते हैं थंब की ओर, देखें इनका थंब क्या कहता है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी हमें एक चक्र का निशान दिखता है। इस तरह का चक्र का निशान अंगूठे में हाथ को अपने आप में ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाता है। अंगूठा वो चीज़ होती है जिससे हम साइन करने के लिए भी हमें अंगूठे की ज़रूरत पड़ती है, खाना खाने के लिए, चम्मच पकड़ने के लिए भी अंगूठे की ज़रूरत पड़ती है। तो और ऐसे में अंगूठे पर जब चक्र का निशान हो तो अंगूठा अपने आप में ही पूरे हाथ को पावर देता है, चारों उंगलियों को हाथ को पावर मिलती है। ये चक्र का निशान बताता है कि इंसान को जो भी काम करता है उसका फल मिलना, उसकी उसके भाग्य को आगे बढ़ाना, उसकी लाइफ में जितनी भी दिक्कतें हैं उसको दूर करना, तो इस तरह की चीज़ें ये चिन्ह बताता है। और इंसान को जैसे जो भी धीरे धीरे जीवन में ग्रोथ मिलती रहना, एज के साथ निरंतर बढ़ोतरी होना, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर देखें तो विल पावर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लॉजिक और प्लानिंग का क्षेत्र भी इनका अच्छा है। अगर अंगूठे को देखें तो पीछे की ओर मुड़ता होगा तो ऐसे में इंसान अपने आप को एडजस्ट भी कर लेता है किसी भी तरह की कंडीशन में। और ऐसे लोगों के अंदर थोड़ा सा कि देखिए ये चीज़ ये आपका चिन्ह, ये अपने जब जिस भी अच्छे संस्कारी परिवार में जन्म लेते हैं साथ ही साथ ये यव का जो चिन्ह होता है इंसान को जीवन में एक अपने प्राउड फील करवाता है कि अपने परिवार वालों के बीच में एक अच्छा नेम फेम दिलवाना, प्राउड फील करवाना, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। अब देखिए हाथ में चलते हैं लेफ्ट हैंड की ओर, देखें लेफ्ट हैंड के चिन्ह क्या कहते हैं। अब देखिए लेफ्ट हैंड में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें दिखते हैं दो लूप दिखाई देते हैं, दो लूप दिखते हैं। ऐसे में इंसान की जीवन में काफ़ी चेंजेस आते हैं, गोल घुमाव आते हैं, ऐसे में यू टर्न बहुत आते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है जीवन में काफ़ी दिक्कत है, परेशानी है, लेकिन फिर अचानक से कुछ ना कुछ जीवन में अच्छा हो जाता है और जीवन आगे बढ़ने लगता है। और जीवन में ऐसे लोग के जीवन में चेंजेस बहुत आते हैं, ऐसा लगता है कि काफ़ी चीज़ों में एनवायरमेंटल चेंजेस आते हैं, जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ पे चेंजेस आते हैं। इस तरह के जीवन में गोल घुमाव का आना, बार बार चेंजेस का आना, बार बार ऐसा लगता है कि चीज़ें अप डाउन हो रही हैं, या हम जहाँ पे थे फिर से दोबारा से शुरू करना, इस तरह की चीज़ों के भी घुमाव आते हैं। अब देखिए हाथ में चलते हैं इनकी फिंगरप्रिंट्स की ओर, लेफ्ट हैंड के फिंगरप्रिंट्स क्या कहते हैं।
यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी हमें इसी प्रकार का, देखिए राइट हैंड की तरह से एक पिकॉक साइन दिखता है जो इंसान को अपने आप में एक, जैसे कि हमने कहा, चीज़ों में चेंजेस भी लेकर आता है, और इंसान जो भी अर्ली एज से मेहनत करना शुरू कर देता है और मेहनत के बल पे धीरे धीरे तरक्की भी पाता है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी हमें राइट हैंड की तरह मिलता है ओरनल लूप। ऐसे में इंसान के जीवन में जो भी दिक्कतें परेशानी आती हैं उसको अकेले डट के सामना करने का साहस इनके अंदर देखा जाता है। अब देखते हैं कि सूर्य की फिंगर पर क्या है। सूर्य की फिंगर पर देखें तो यहाँ पे हमें मिलता है उन्नल लूप। ऐसे में इंसान कई बार होता है कि अपने प्रोफेशन चेंज करता है या तरक्की मिलने में धीरे धीरे तरक्की मिलती है। इंसान को कई बार शुरुआती वर्ष में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ जाता है और इंसान को लगता है कि पता नहीं मैं कुछ कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, लेकिन जैसे ही ये लोग 60 वर्ष क्रॉस करते हैं, 60 साल की उम्र तक आते आते इनके पास काफ़ी कुछ हो जाता है। ऐसा लगता है कि जो इतना इनके पास पहले था उससे कहीं ज़्यादा ये लोग अच्छा कर लेते हैं। और अगर हम देखें यहाँ पर भी, ये देखें इस तरह का उल्लू लूप है, तो जैसे कि हमने बताया स्टॉक, शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए और किसी को पे भी पैसा विश्वास करके नहीं देना चाहिए, बहुत सोच समझ के देना चाहिए और वो पैसा लौट के नहीं आता। अब देखिए इनके हाथों के 10 उंगलियों का समावेश निकालें, 10 उंगलियों का पूरा समराइज करें तो इनके हाथ में हमें सूर्य की फिंगर पर, राइट हैंड में सूर्य की फिंगर पर और थंब पर हमें दिखाता चक्र का निशान, और दोनों हैंड्स की जो गुरु की फिंगर थी उस पर हमें दिखाता एक पिकॉक साइन दोनों हैंड की फिंगर से, और बाकी हमें ओल्डर लूप दिखे, और राइट हैंड में हमें, लेफ्ट हैंड में ही हमें अंगूठे पर दिखाता एक डबल लूप का निशान। तो ऐसे में मिक्स रिजल्ट्स मिलते हैं। ऐसे में लाइफ में आप कह सकते हैं कि इंसान राइज भी करता है, मेहनत भी करता है, फल भी मिलता है और इंसान को अच्छी तरक्की भी पाता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जीवन के जैसे जैसे बढ़ता है आगे, वैसे वैसे काफ़ी अच्छी तरक्की भी मिलती है। अपने राइट हैंड में अगर किसी के जब भी अंगूठे पर और सूर्य की फिंगर पर चक्र का निशान होता है, इंसान अपने करियर में खूब तरक्की पाता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है उसे कि हाँ मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा करा, मैंने अच्छा कर पाया, मैं जितना चाहता था उतना ग्रो करा और निरंतर भी मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इस तरह की सेटिस्फेक्शन फीलिंग आती है। अब चलिए हाथ में देखते हैं माउंट्स की ओर कि देखें इनके माउंट्स क्या कहते हैं। अब देखिए हाथ में अगर हम देखें तो यहाँ पर ये गुरु दबा हुआ है। गुरु हालांकि काफी बड़ा है, देखिए काफ़ी बड़ा गुरु है। अच्छा, कई बार ऐसे लोग खाने पीने के शौकीन होते हैं और कई बार ऐसे लोगों का बड़ा कुनबा भी होता है, कहना चाहिए बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं, काफ़ी सारे कज़न्स का होना, काफ़ी सारे एक होता है कि मदर की तरफ से भाई बहन का हो, मदर की तरफ से रिश्तेदारों का होना और फादर की तरफ से भी काफ़ी रिश्तेदार, बड़ी फैमिली से बिलोंग करना। यहाँ पर देखें गुरु दबा हुआ है। देखिए कई बार मैंने जैसे देखा है कि जो लोग विदेश में रहते हैं उनके ज़्यादातर गुरु दबे हुए होते हैं, या कहना चाहिए कि थोड़े मीडियम होते हैं, क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं अपने देश को मिस करते हैं। उनके अंदर कहीं ना कहीं एक फीलिंग होती है कि मैं अपने चाइल्डहुड डेज को मिस कर रहा हूँ, अपने देश को मिस कर रहा हूँ, अपने कज़न्स को, अपने फ्रेंड्स को, उनके अंदर कहीं ना कहीं ये इच्छा दबी सी रहती दिखाई देती है। यहाँ पर देखें तो इनके हाथ में एक बड़ा अच्छा खिड़की का चिन्ह है। देखिए बड़ा अच्छा खिड़की का चिन्ह हाथ में है जो जीवन में इन्हें निरंतर तरक्की करवाता रहेगा और ग्रोथ देता रहेगा। यहाँ पर हाथ में एक और चीज़ है, ये देखिए ये इस तरह से, ये इस तरह से एक ये ग्रोथ का निशान है। जीवन में अर्ली एज में ही इन्होंने काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी पाई होगी, जीवन में अच्छे मौके भी आए होंगे ग्रोथ के, और यहाँ पर कहीं ना कहीं ये के रेखा इस तरह की चल रही है, ये रेखा, ये कुछ स्ट्रेस लाइन है। ये ऐसा लगता है कि जीवन में कुछ 30 वर्ष के आसपास कोई स्ट्रेस का आना इस तरह की दिखा रही है। इसको हम मछली नहीं कह सकते क्योंकि ये मछली नुमा टाइप की ये रेखा ऐसे नहीं बन रही है, ये मछली नहीं है ये। और यहाँ से देखें तो यहाँ पर एक ये चिन्ह, ये एक अगर हम देखें ध्यान से देखें तो ये मछली का चिन्ह बन रहा है, ये इधर की ओर। जब भी इस तरह का गुरु के पर्वत पर देखें, एक तो हमने खिड़की का निशान देखा, एक मछली का निशान देखा, जब भी ऐसा मछली का निशान होता है इंसान जीवन में बहुत अच्छा पैसा कमाता है, कई बार लैक्स में कमाता है, हर महीने की इनकम लैक्स तक में पहुँच जाती है। तो ये एक चीज़ इनके हाथ में दिखी हमें। अब आते हैं हाथ में यहाँ पर, देखिए ये देखिए बड़ी अच्छी मछली का चिन्ह है यहाँ पर शनि के पर्वत पर। तो जब भी शनि के पर्वत पर ऐसी मछली का चिन्ह होता है इंसान का ओल्ड एज काफ़ी लग्जरियस होता है, अच्छा खासा पैसा जीवन में ये लोग कमा लेते हैं। ये देखिए भाग्य रेखा इस तरह से यहाँ पर आके रुक रही है, तो ये
काफ़ी बढ़िया पैसा कमाते हैं और जीवन में अच्छा सेटिस्फेक्शन पाते हैं, लग्जरियस ओल्ड एज बना पाते हैं। यहाँ पर देखें हाथ में, तो देखिए दोनों पर्वतों पर हमें एपेक्स का चिन्ह दिखता है, ये देखिए यहाँ पर एपेक्स का चिन्ह। हर काम को तरीके से करना, होशियारी से करना और अपने फील्ड की नॉलेज को बढ़िया नॉलेज रखना, ये सब चीज़ें दिखती हैं। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी हमें उल्डन लूप, ये देखिए इस तरह का लूप दिखता है, एपेक्स का चिन्ह दिखता है। जब भी एपेक्स का चिन्ह शनि पर्वत पर होता है तो इंसान के जीवन में कोई ना कोई शक्ति उसे प्रोटेक्ट करती है, कोई ना कोई जो दिक्कत आती है वो शक्ति से प्रोटेक्ट होती है। यहाँ पर देखें तो एक लूप ऑफ कर्म, लूप ऑफ सीरियसनेस भी दिखाई देता है। ये देखिए ये क्या होता है कि जब भी ऐसा लूप हाथ में दिखता है दोनों उंगलियों के बीच में, तो इंसान अपने काम को लेके काफ़ी ज़्यादा वर्कहॉलिक होता है, काफ़ी सीरियस होता है, उसके अंदर एक काम करने की अच्छी क्षमता होती है और वर्क को लेके सीरियस होता है, वर्कहॉलिक होता है। और ऐसे लोग काम में लापरवाही पसंद नहीं करते और वर्क इज़ वर्शिप होता है। साथ में ऐसे लोग ना खुद खाली बैठते हैं ना दूसरों को खाली बैठने देते हैं, काम के प्रति ये बहुत ज़्यादा निष्ठावान देखे जाते हैं। अब इनके हाथ में हमें दिखता है यहाँ पर एक देखिए ये वाई का चिन्ह, ये हाथ काफ़ी बढ़िया कैटेगरी का हैंड है, ऐसा लगता है कि काफ़ी जीवन में अच्छा कर लिया है और आगे भी करते रहेंगे। काफ़ी बढ़िया बढ़िया चिन्ह इनके हाथ में देखने को मिल रहे हैं और भी जीवन में जितना इनके पास आज है उससे भी कहीं ज़्यादा और ये तरक्की अपना करते रहेंगे। ये वाई का चिन्ह जब भी इस तरह का होता है तो इंसान जीवन में देखिए इतना आगे तक आके, यानी कि जब तक जीवन है तब तक कमाई करते रहेंगे और अपने बिजनेस को बढ़ोतरी देते रहेंगे। यहाँ पर देखें हाथ में तो हमें एक ये इस तरह का अर्ध शुक्र वलय दिखता है। जब भी इस तरह का शुक्र वलय होता है तो इंसान अपने पेरेंट्स के लिए काफ़ी लकी होता है। इंसान ऐसे लोग जब जन्म लेते हैं अपने परिवार में तो पेरेंट्स को काफ़ी धन लाभ होते हैं और साथ ही साथ ऐसे में ऐसे लोग दूसरों को भी भाग्य देते हैं। अच्छी लग्जरियस लाइफ तो जीते ही हैं, अपने भाई बहनों को भाग्य देना, अपने माता पिता को भाग्य देना, शादी के बाद वाइफ को भाग्य देना, बच्चों को भाग्य देना, तो इस तरह से इनका भाग्य उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा काम करता है। जैसे हम कहते हैं ना ये पर्सन बड़ा लकी है, ये घर हमारे घर आया और उसने इसकी वजह से हमारा ये काम बन गया या इसकी वजह से हमें ये फ़ायदा हुआ, ये उस टाइप के पर्सन होते हैं। अब हाथ में देखें तो यहाँ पर सूर्य पर्वत पर चलते हैं तो सूर्य पर्वत इनका थोड़ा सा दबा हुआ है, थोड़ा सा दबा हुआ। देखिए इस सूर्य पर्वत जब भी थोड़ा सा दबा होता है तो कहीं ना कहीं आँखों का चश्मा, पिता से मतभेद, पिता से दूरी, इस तरह की चीज़ होती हैं, तो ये तो इस उम्र में नॉर्मल चीज़ है। अब ये देखिए यहाँ पर कितनी लंबी सूर्य रेखा, ये देखिए कितनी बढ़िया सूर्य रेखा है। तो अर्ली एज में नेम फेम मिलना और ख़ास तौर से ऐसे लोगों को कई बार 15 में 20 ईयर्स की एज में नेम फेम मिलता है। और ये देखिए इस रेखा का भाग्य रेखा से आकर जुड़ना, ये देखिए बुद्ध रेखा का भी भाग्य रेखा से आकर जुड़ना, इस तरह से ये एक त्रिशूल नुमा निशान बन रहा है। इस तरह का जब भी हाथ में त्रिशूल नुमा निशान बनता है इंसान काफ़ी नेम फेम कमाता है अपने रिश्तेदारों में, जान पहचान वालों में। और ये देखिए ये तीनों रेखाएं का जब ऐसा जुड़ जाती हैं, ये पेड़ नुमा चिन्ह, त्रिशूल नुमा चिन्ह बनता है। इसको दोबारा दिखाते हैं, ये देखिए ये इस तरह से, इस तरह से और ये इस तरह से, जब भी इस तरह से ये निशान बनता है ये इंसान को काफ़ी ज़्यादा तरक्की दिलवाता है जीवन में। एक कहते हैं नॉट लुकिंग बैक, एक इस तरह से जीवन में ये लोग तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ते जाते हैं। यही देखिए इनके जीवन के ग्राफ में भी यही दिखा, यहाँ पर ये रेखा थोड़ी लहरा रही है तो थोड़ा सा पेट संबंधित गड़बड़े दिखती हैं, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होना, कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम, इस तरह की चीज़ कई बार होती है तो थोड़ा सा ये चीज़ दिखती है। अब हाथ में आते हैं यहाँ पर बुद्ध पर्वत पर, तो बुद्ध पर्वत अच्छा खासा है, ऐसे लोग एक अच्छे सफल बिजनेसमैन बनते हैं और हाथ में इस तरह की रेखाएं हों तो पैसे रुपए के मामले में काफ़ी शार्प होते हैं, अच्छे बिजनेस आइडियाज़ इनके पास होते हैं। ये देखिए ये रेखा बिजनेस अच्छा सफल बिजनेसमैन भी बनाती है। और यहाँ पर देखें तो ये देखिए एपेक्स का चिन्ह है, ऐसे लोग कई बार होता है थोड़ा सा अपनी बात जब भी कहते हैं सोच समझ के कहते हैं, थोड़े शर्मीले स्वभाव के भी होते हैं और ऐसे लोग होता है कि नाप तोल के बोलना, कई बार होता है कि नहीं जितनी कहनी हो उतनी ही कहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं बोलना, कब किसके सामने कितना बोलना चाहिए, उस तरह की लॉजिक वाले पर्सन्स होते हैं। अब हाथ में आते हैं यहाँ पर मंगल पर्वत की ओर और बुद्ध पर्वत भी इनका काफ़ी अच्छा फ्लफी है। देखिए बुद्ध माउंट तो अच्छा डेवलप्ड है, जब भी बुद्ध माउंट इतना डेवलप्ड होता है तो इंसान की बौद्धिक स्तर काफ़ी बढ़िया होती है, मेंटल लेवल काफ़ी अच्छा देखा जाता है।
और अब देखिए यहाँ पर देखें तो ये अच्छा खासा मंगल है, हिम्मती और साहसी बनाता है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है। अंदरूनी मंगल भी अच्छा खासा है, अंदरूनी मंगल जब भी अच्छा खासा होता है तो अंदर से भी बोल्ड बनाता है, कोई भी दिक्कत परेशानी आती है ये लोग डट के सामना करते हैं, घबराते नहीं हैं। और यहाँ पर जब दोनों मंगल अच्छे हों तो कई बार प्रॉपर्टीज़ में भी लाभ मिलता है, और कई बार होता है कि ऐसे लोग मांगलिक भी होते हैं और थोड़ा सा गुस्सा इनका तेज देखा जाता है। अब हाथ में आते हैं चंद्र पर्वत को, अच्छा खासा चंद्र पर्वत है ये, देखिए यहाँ पर अच्छी खासी यात्रा की रेखा है, एक से ज़्यादा देशों की यात्रा भी ये लोग कर लेते हैं, और ये देखिए ये इस तरह का लूप यहाँ पर, ये देखिए इस तरह का जब भी लूप होता है हाथ में तो ये लूप इंसान को प्रकृति से जोड़ता है, यानी कि नेचर लविंग पर्सन्स होते हैं, ऐसे लोगों को नेचर से बहुत प्यार होता है। यहाँ पर देखिए ये देखिए इस तरह की रेखा हाथ से निकलना, ऐसे लोग अपने फॉरेन कंट्री में ही सेटल हो जाते हैं, फॉरेन कंट्री में ही सेट रहते हैं, देखिए विदेश से लाभ मिलना, विदेश से कमाइयों का होना, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। और ये देखिए ये लाइन ऑफ डिज़ायर्स इनके हाथ में और दिखाई दे रही है। अब हाथ में आते हैं इधर की ओर तो यहाँ पर देखिए एक छोटी सी मछली का चिन्ह यहाँ भी दिखता है, ये देखिए मछली का मुंह ऊपर है। तो ऐसे लोग जीवन में 40 वर्ष के बाद खास तौर से काफ़ी अच्छी तरक्की लेते हैं और जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं। अब हाथ में अगर हम देखें चलते हैं शुक्र पर्वत की ओर, तो शुक्र पर्वत इनका देखिए अच्छा खासा है, खूब बढ़िया घेराव है। ऐसे लोग जीवन में अच्छा खाना पीना, अच्छा पहनना ओढ़ना, इस तरह के शौकीन होते हैं, महंगा मोबाइल, महंगी गाड़ी, एक से एक बढ़िया ब्रांडेड चीज़ें, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड आइटम, सब इनको शौक होता है। और ऐसे लोग काफ़ी अच्छी लग्जरियस लाइफ जीते हैं, काफ़ी बढ़िया रहन सहन, काफ़ी बढ़िया खान पीन इनका देखा जाता है। और अगर हम इनके हाथ में देखें तो यहाँ पर एक नक्षत्र का चिन्ह भी दिखता है, इस तरह का नक्षत्र का चिन्ह भी दिखता है छोटा सा, तो ये भी इंसान को जीवन में काफ़ी सफल बनाता है, प्रॉपर्टीज़ में कई बार लाभ दिलाता है। और यहाँ पर देखें हाथ में, अब चलते हैं रेखाओं की ओर, देखिए काफ़ी अच्छी अच्छी बारीक बारीक ये लग्जरी की रेखा है, काफ़ी अच्छा रहन सहन, काफ़ी सुख सुविधा के साधन दिखते हैं। अब हाथ में यहाँ पर देखें तो इनके चलते हैं रेखाओं की ओर, ये देखिए इस तरह से रेखा यहाँ तक चलती हुई इस तरह से आ रही है, ये देखिए बड़ी अच्छी लाइफ लाइन है। और इनकी लाइफ लाइन पर दिखता है ये देखिए यहाँ पर यंग एज में काफ़ी स्ट्रगल करना, यंग एज में ये रेखा दबाव नमी है, ऐसा लगा 30 से 40 वर्ष के बीच इन्होंने काफ़ी कड़ी मेहनत करी, काफ़ी मेंटल टेंशन, काफ़ी मेंटल स्ट्रेस भी इनके जीवन में रहा, ये देखिए यह भी दिखता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है वैसे वैसे स्ट्रेस कम होता जा रहा है, वैसे वैसे चीज़ें स्मूथ होती जा रही है जीवन में, उतनी दिक्कत परेशानी नहीं है। और आगे भी जीवन देखें साफ सुथरा सुख में है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं दिखती। अब चलते हैं हाथ में मस्तिष्क रेखा की ओर, देखें इनकी मस्तिष्क रेखा क्या कहती है, देखिए यहाँ पर देखें तो मस्तिष्क रेखा इस मिडल एरिया में काफ़ी मानसिक तनाव दिखती है दिखाती है। यहाँ पर भी देखिए ये राहु रेखा बहुत सारी थी तो ये समय तो इनका बीत चुका है, ये देखिए सब आगे जीवन में देखिए कोई हमें राहु रेखा नहीं दिखी, कोई राहु रेखा, जैसे अगर हम देखें इस समय इनकी उम्र इस तरह से चल रही है तो एक हम अगर देखें तो थोड़ा बदलाव यहाँ पर दिखता है, 65 के आसपास 65-70 में कोई अच्छा पॉजिटिव बदलाव भी जीवन में देखने को मिलेगा। ऐसे ही अगर हम यहाँ देखें तो मस्तिष्क रेखा ये काफ़ी टेंशन और काफ़ी दबाव दिखाती है कि यंग एज में काफ़ी स्ट्रगल, काफ़ी दिक्कतें परेशानियाँ देखना, काफ़ी स्ट्रगल करना, तो उससे मानसिक तनाव रहना कई बार होता है, इंसान की नेचर में होता है टेंशन लेना। लेकिन जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे ये मानसिक तनाव भी कम होता जा रहा है, ये देखिए काफ़ी कम होता जा रहा है, ऑलमोस्ट ये कह सकते ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर देखें भाग्य रेखा को, तो भाग्य रेखा इस तरह से चल रही है, यहाँ से भी एक रेखा आके जुड़ रही है, तो ये इस भाग्य रेखा पर ये देखिए यहाँ पर ऐसा लगता है 25-26 के आसपास कोई बड़ा खर्चा आया होगा, कोई 30 के आसपास कोई बड़ा खर्चा, ये देखिए 32 के आसपास, 35 के आसपास, 38 के आसपास, इस तरह से बार बार खर्चे लगे रहना, कोई फाइनेंशियल लॉसेस होना। यहाँ पर देखें तो ये देखिए रेखा पर दबाव है, तो यानी कि स्ट्रगल रहा होगा जीवन में, तो ऐसा लगता है 30 से लेकर 40 वर्ष तक काफ़ी स्ट्रगल देखना, उसके बाद बीच बीच में थोड़ा सा छोटा मोटे खर्चे लगे रहना, लेकिन ये देखिए यहाँ पर और 35 वर्ष के आसपास भी देखिए नई भाग्य रेखा का शुरू होना, ये ऐसा लगता है 28 वर्ष के आसपास कुछ 27-28 के आसपास कुछ नया शुरू करना, उससे भी अच्छी इनकम मिलना। यहाँ पर एक रेखा और देखेंगे, ये देखिए ये रेखा
इधर की ओर इस तरह से जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं जमीनी लाभ करवाती है, या कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी का लाभ कराना, या ससुराल की तरफ से कोई लाभ मिलना, या होता है कि आपने कोई पुरानी जमीन बेची उसका लाभ मिलना, इस तरह की चीज़ें दिखाती है। और यहाँ पर भी देखें तो इनके हाथ में कुछ एंसेस्ट्रल भी दिखता है, कुछ एंसेस्ट्रल लाभ भी दिखाई देना। अब देखिए हाथ में अगर हम देखें तो हृदय रेखा की ओर चलते हैं, हृदय रेखा काफ़ी डिस्टर्ब है। हालांकि यहाँ तक गुरु पर्वत तक आ रही है, जब भी गुरु पर्वत तक इस तरह की रेखा आती है तो इंसान काफ़ी बड़े दिल का नेचर होता है उनका, उनका नेचर ऐसा होता है कि अगर अपनी थाली में दो रोटियां हैं तो कहेंगे कि मेरी तो दोनों रोटी ले ले पर अपना पेट भर ले, इस तरह की उनके अंदर नेचर देखा जाता है। काफ़ी आदर्शवादी होते हैं, परोपकारी होते हैं। यहाँ पर देखें तो ये रेखा डिस्टर्ब है, यानी अपनों से ही ताने मिलना, धोखे मिलना, इस तरह की चीज़ें होती हैं। जब भी किसी के लिए कुछ अच्छा करते होंगे उसके बाद इनको बुराई सुनने को मिलती होगी, इनको लोग दर्शाते होंगे कि जो भी तुमने करा अपने फ़ायदे के लिए करा, हमारे को कोई बेनिफिट नहीं मिला, इस तरह के ताने सुनने को मिलते हैं। अब अगर हम हाथ में देखें तो ओवरऑल हैंड काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ग्रोइंग है, काफ़ी अच्छे अच्छे चिन्ह भी हमने इनके हाथ में देखे और दो चक्र भी हमें इनके हाथ में देखने को मिले। अब देखते हैं लेफ्ट हैंड है इनका क्या कहता है। अब लेफ्ट हैंड में देखें तो यहाँ पर भी हमें देखिए ये बड़ा अच्छा तीनों रेखाओं का समावेश मिलता है, तीनों रेखाओं एकदम ज्वाइन हो रही हैं इस तरह से, तो ये अपने आप में ही काफ़ी बढ़िया चिन्ह है। और यहाँ पर देखें तो हाथ में ये देखिए इस तरह से ये कि फ्लैग टाइप का चिन्ह दिखता है, दान पुण्य की इच्छा होना। और यहाँ पर देखें तो ये कि ट्राइडेंट इस तरह से, तो ये भी अपने आप में काफ़ी बढ़िया माना जाता है। अच्छे बिजनेस स्किल्स होना, पैसा अच्छा कमाना, पैसा ट्रिक से कमाना, पैसे में फ़ायदा उठाना। और ये देखिए यहाँ पर भी एक हमें शुक्र वलय दिखाई देता है। और अगर हम देखें तो ये देखिए ये दोनों जो रेखाएं हैं इनमें स्पेस कम है, तो इमोशनल ज़्यादा होते हैं ऐसे व्यक्ति, और चंद्रमा भी भरा पूरा होता है तो इमोशनल काफ़ी होते हैं। ये देखिए विदेश से लाभ मिलने की रेखा, ये भाग्य रेखा में जुड़ रही, विदेश से लाभ मिलना। यहाँ पर एक चीज़ और है, ये देखिए ये इस तरह से ये, तो कई बार ऐसे लोगों को या तो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का शौक होता है, ये इस तरह का पिकॉक साइन है, या पेट्स से बहुत प्यार होता है। ये देखिए ये इस तरह का लूप, ये नेचर लविंग बनाता है इंसान को, इस तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं। अब हाथ में इनके देखें तो पर्वत इनके बहुत अच्छे हैं, और एक ये चीज़ देखिए ये बहुत चिन्ह हैं इनके हाथ में, ऐसा लग रहा है हाथ में जगह जगह चिन्ह हैं, तो काफ़ी अच्छा लकी हैंड है। देखिए अच्छा शुक्र है, अच्छा चंद्र है इनका। अगर हम देखें तो देखिए गुरु जैसे कि उस हाथ में दबा हुआ है उस तरह से, और ये शनि मीडियम है। अगर हम देखें जो सन माउंट है ये भी मीडियम है, और इनका बुध बहुत बढ़िया है, और ये रेखाओं का कॉम्बिनेशन जो बना है ये बहुत ही बढ़िया ऑस्पिशियस है, बहुत बढ़िया इनके हाथ में बना हुआ है। फिर भी अगर हम देखें तो देखिए लेफ्ट हैंड वो होता है जो परवरिश हमें हमारे माता पिता से मिलती है, और राइट हैंड वो होता है जो हम खुद अपने बलबूते पर बनाते हैं। भाग्य रेखा यहाँ भी अच्छी है, तो माता पिता से भी देखो देखें तो काफ़ी अच्छा है इनको, देखिए काफ़ी अच्छा बचपन रहा, लेकिन अच्छे परिवार में भी जन्म लिया, लेकिन अपने हाथ से भी इन्होंने काफ़ी कुछ बनाया होगा। राइट हैंड बहुत बढ़िया है, राइट हैंड में हमने चक्र के निशान भी देखे और भी बहुत अच्छे अच्छे चिन्ह देखे, तो राइट हैंड अपने आप में काफ़ी पावरफुल है। तो इनका अगर हम देखें तो माता पिता ने अच्छा जीवन भी दिया, अच्छा रहन सहन, अच्छा खाना पीना अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश करी, लेकिन राइट हैंड वो है जो इन्होंने खुद अपने कर्मों द्वारा बनाया, तो काफ़ी बढ़िया है राइट हैंड। राइट हैंड में बहुत पावर है, आगे भी जीवन में खूब तरक्की के योग बनते रहेंगे। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जो भी इनकी मनोकामनाएं वो पूर्ण हो, जो भी दिक्कत परेशानी हो वो दूर हो। तो ये था इनके हैंड का एनालिसिस, धन्यवाद।